के दौरान जिस तरह से दिग्गज नेताओं का जमावड़ा था, इन दिग्गज नेताओं में छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी उनके साथ मौजूद थे। धरमलाल कौशिक से बात की हमारे सहयोगी जीवानंद हलदर ने। सर, ये जो आज नामांकन पत्र दाखिल के बाद जो आम सभा में जो भीड़ उमड़ा है, क्या संदेश देंगे, किस प्रकार की? देखिए, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और कांग्रेस के सरकार से 4 साल में उब गई है। जितने आश्वासन दिए, जितना उन्होंने लोगों को घोषणा पत्र दिया और ये कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो सपना संजोए थे सारे सपने टूटने लगे। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारा प्रत्याशी यहाँ का विधायक रहा है, न किसी के पहचान की जरूरत है, अपने आप में स्वयं उनकी पहचान है। और जिस प्रकार से लोगों को धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है, उसका बदला लेने का समय आ गया है। लोग बदला लेंगे और 2023 का संदेश यहाँ से देंगे। जो आदिवासी के बीच अभी जो 32% जो मुद्दा चल रहा है आरक्षण को लेकर, ये चुनाव में किस प्रकार उस बात को अफेक्ट पड़ेगा, कितना प्रभावित होगी? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरक्षण के खिलाफ है। 27% आरक्षण के खिलाफ जो कोर्ट में गए, आज उनके शोध पीठ के अध्यक्ष बने हुए हैं, नवाजा गया। जो आदिवासी समाज के खिलाफ में जो गए हाई कोर्ट में, उनको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और इस प्रकार से उन्होंने जो कोर्ट में गया उसको पुरस्कृत करने का काम किया। इसका मतलब यह है कि आरक्षण वो देना नहीं चाहते और यहाँ नौटंकी करना चाहते। कमल खिलेगी, निश्चित रूप से 100% कमल खिलेगी। हमारे साथ मौजूद रहे धरमलाल कौशिक जी, उसने भी दावा किया कि जिस प्रकार उपचुनाव में जिस प्रकार भाजपा में कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया, तो निश्चित रूप से भानुप्रतापपुर भाजपा की जो कमल खिलेगी। कैमरामैन संजू के साथ जीवन हलदर, INS News, चारामा।